उत्तराखंड के नैनीताल में एक वक्त बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अधौड़ा से हल्द्वानी को जा रही एक टैक्सी अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी है। वाहन के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को खाई से निकालकर ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से सड़क तक पहुंचाया है। हादसे के वक्त वाहन में 11 लोग सवार थे। आपको बता दें कि 11 लोग उस समय वाहन में सवार थे और घायलों को उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी से ले जाया गया है। नैनीताल सड़क हादसे पर सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। हादसे की वजह वाहन में यात्रियों की अधिक संख्या और बदहाल सड़क बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से खाई में गिरे यात्रियों को बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल में हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिवार के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं राज्यपाल ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।